दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अब दरगाह अजमेर शरीफ पर हिंदू तंजीमों ने किया मंदिर का दावा। ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ पर मंदिर का दावा किया गया है। अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक हिंदू तंजीम ने दावा किया है कि ये पहले एक मंदिर था जिसके बाद इसे गिराकर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे का मुतालबा किया गया। महाराणा प्रताप सिंह के राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि दरगाह की दीवारों और खिड़कियों पर हिंदू मजहब से मुतालिक निशानात है। परमार ने कहा कि इनका मुतालबा है कि दरगाह का सर्वे ASI से करवाया जाए। इस सिलसिले में रियासत के चीफ मिनिस्टर के नाम एक मकतूब भी रवाना किया गया है। दरगाह की खादमीन कमेटी ने इस दावे को मसरत करते हुए कहा कि वहां ऐसा कोई निशान नहीं है। इन्होंने कहा कि दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों बरादरियों के करोड़ों अकीदतमंद आते हैं। ये दरगाह शरीफ 850 साल से मौजूद है। ऐसा कोई सवाल आज तक पैदा नहीं हुआ। आज मुल्क में एक खास किस्म का माहौल है जो पहले कभी नहीं था। लखनऊ में भी तेले वाली मस्जिद के बाहर जुम्मा की नमाज से पहले सिक्योरिटी तैनात है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसे हिंदुओं की इबादत का लक्ष्मण तेला होने का दावा कर रही है। इसी तरह के मनाजिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोरी के गेट नंबर 4 के बाहर है, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दाखिले दरवाजा है। नमाज जुम्मा के लिए पुलिस की भारी तैनात की गई है। आइए देखते हैं इस खास खबर में इसके मजीद तफसीलात। हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें।